हेलो दोस्तों, यह है नोकिया TA1299। यह है नोकिया न्यू मॉडल 105। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है कि एलसीडी लाइट प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि आपको दिखा दे रहे चालू करके, ये देख सकते हैं, ये फ़ोन ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें स्क्रीन में लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके दिखाने वाले हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आता है ये लाइट वाला। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें इस वीडियो को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं ये वाटर डैमेज है, जो कि आपको आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है, वाटर डैमेज। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले हम थिनर से साफ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि इसका ट्रैक जो है, लाइट वाला जो इसका सेक्शन होता है, लाइट वाला इसका सप्लाई कहाँ से रहता है और कहाँ से जंपरिंग करना है आपको, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। क्या इसमें दिक्कत है, अब हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ये चालू हो गया लेकिन लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम जंपिंग करके हम दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से रहता है। तो आप ध्यान से देखें, तब जाके आपको समझ में आएगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड में ये प्रिंट है, इसे आप देख सकते हैं, ये स्क्रेच कर लिया है। ठीक है, अब वहां से एक जंपरिंग उठाना है। ठीक है, हम बताते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सही से नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा खास जगह नहीं है, तो इसको क्या करना है, डिस्प्ले को यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, जैसे आप डिस्प्ले यहाँ से निकाल लिए, उसके बाद इधर से, ठीक है, इधर से दूसरे नंबर पे सबसे पहले स्क्रैच करना है। ठीक है, नॉर्मली देख सकते हैं ये जंपिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको यहां से जंपिंग कर देना। ठीक है, पूरा क्लीन करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अब देख सकते हैं इसमें लाइट आ चुका है। ठीक है, तो अब बताएंगे इस वीडियो में कि कहां से आपको जंपरिंग करना है, पूरा क्लीन करके।